एमपी में अब सियासत का सिलसिला शुरू हो गया है, जहां विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने इच्छा जताई थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री बने। वहीं गोविंद सिंह के बयान पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रतिक्रिया दी है। सिंधिया ने ग्वालियर की जनता के आशीर्वाद से जीवन की आखिरी सांस तक काम करने की बात कही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। एमपी में शुरू हुआ सियासत का सिलसिला, नेता प्रतिपक्ष के बयान पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया की प्रतिक्रिया, मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर सिंधिया ने दिया जवाब। सिंधिया ने कही जीवन के आखिरी सांस तक काम करने की बात। दो दिन पहले अल्प प्रवास पर ग्वालियर आए नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए इच्छा जताई थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। शुक्रवार को ग्वालियर के दो दिवसीय प्रवास पर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयरपोर्ट पर अपने आगमन के बाद मीडिया कर्मियों के सवालों के जवाब दिए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है, सिंधिया परिवार को जो लोग करीब से जानते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों या बीजेपी के, हमारी मंशा रही है एक सेवक के रूप में जनता का विकास और उसकी सेवा करना, और इसी मंशा के साथ पिछले 20 वर्ष से मैंने कार्य किया है। उसी तरह ग्वालियर की जनता के आशीर्वाद से जीवन की आखिरी सांस तक कार्य करने की कोशिश करूंगा। देखिए मैं और जो लोग इस परिवार को करीबी से जानते हैं, चाहे कांग्रेस में रहे हों, चाहे बीजेपी में रहे हों, चाहे मेरी दादी रहे हों, चाहे मेरे पूज्य पिताजी रहे हों, चाहे मैं रहा हूँ, हमारी एक ही मंशा है, एक ही सोच है, एक ही विचारधारा है, और वो है जनता का विकास, जनता की सेवा और एक सेवक के रूप में कार्य करने की। और उसी मंशा के साथ पिछले 20 वर्ष मैंने कार्य किया है, और आप लोगों के आशीर्वाद और ग्वालियर की जनता के आशीर्वाद से उसी तरह जीवन के आखिरी सांस तक मैं कार्य करने की कोशिश करूंगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो एमपी में अब सियासत का सिलसिला शुरू हो गया है, जहां विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के बयान पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रतिक्रिया दी है। सिंधिया ने ग्वालियर की जनता के आशीर्वाद से जीवन की आखिरी सांस तक काम करने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, ग्वालियर।